एक तरफ देश में कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें भी लगा रहे हैं। बावजूद लोगों को खाली हाथ घर भी लौटना पड़ रहा है तो कई जगहों पर टीकाकरण के लिए जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल उल्लासनगर में टीकाकरण के समय लोगों की काफी भीड़ थी। टीकाकरण के लिए निगम के स्कूल नंबर 14 में वरिष्ठ नागरिकों सहित युवाओं की काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते वहां पर जमकर हंगामा हुआ। 500 से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे, जबकि केवल 250 नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 18 से 44 वर्ष के आयु के नागरिकों को ऑनलाइन टीकाकरण किया जा रहा है तो वहीं 44 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को टोकन देकर टीकाकरण किया जा रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों के इशारे पर यहाँ टोकन दिए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर विधायक गणपत गायकवाड़ ने आज टीकाकरण केंद्र का दौरा किया और निगम के अधिकारियों से बात की। गायकवाड़ ने अधिकारियों से कहा है कि राजनीति मत करो, अन्यथा मुझे उपवास करना होगा। गायकवाड़ ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए नगर आयुक्त से मिलेंगे कि सोमवार तक सभी नागरिकों को टीका लगाया जाए और सभी नागरिकों को समान रूप से टीका लगाया जाए, ना कि इस पर राजनीति की जाए। ऑनलाइन जे होतं इंजेक्शन वैक्सीन देण्याचं काम या ठिकाणी चालू होतं, पण जे वयस्कर ज्येष्ठ नागरिक होते त्यांना माहिती नव्हतं, कारण की काल या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांना 45 वर्षाच्या पुढील लोकांना इथे वॅक्सिन दिलं जात होतं। त्याचप्रमाणे आज सुद्धा लोक इथे वॅक्सिन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये आले होते, पण या ठिकाणी ऑनलाईनचं ज्या टायमा वॅक्सिनचं काम सुरू होतं त्याच्यामुळे त्या लोकांची निराशा झाली। मी महानगरपालिकेच्या अधिकारी लोकांना बोलवलं आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी आल्याच्यानंतर काही जे ज्येष्ठ महिला वयस्कर होत्या त्यांना ऑफलाईनमधून यांना जवळजवळ 30 लोकांनी इथं घेतलं। पण एकंदरीत तिथं मला असं वाटतं की जे नियोजन आहे यांचं, नियोजनामध्ये कुठेतरी ह्या UMC उल्हासनगर महानगरपालिका ही कमी पडते आणि त्याच्यामुळे या असा सर्व गोंधळ होतो आहे। त्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी कसं सुयोजित होईल, वेगवेगळी इथं मी व्हिजिट करून वेगवेगळी मी इथं या ठिकाणी पाहणी करून या लोकांना आम्ही जे लोकांना सुविधा भेटायला पाहिजे त्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करू। खरं तर काही राजकीय लोक टोकन आपल्या हातात जबरदस्तीने घेतात आणि आपल्या घरातल्या लोकांना किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांना ओळखीच्या लोकांना वॅक्सिनचे टोकन दिले जातात, हे चुकीचं आहे। कारण नागरिक हे सर्व आहेत आणि सर्व नागरिक हे टॅक्स भरलेले नागरिक आहेत, त्याच्यामुळे ज्या वेगवेगळ्या हे टॅक्स भरतात त्या लोकांना सुविधा देण्यासुद्धा काम आहे, पण राजकारण करून त्या ठिकाणी राजकीय लोक काही ना काही चुकीची कामं करत असतात, ही अशी कामं झाली नाही पाहिजे। खास खास खबरों के लिए बनी रहिए चैनल के साथ।